हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। जस्ट अभी अभी उठे हैं और देखिए चेहरे का मेकअप अभी तक नहीं उतरा है, कल हम बहुत लेट आए थे इसलिए सो गए। ठंड भी थी, मुंह हाथ पूछ धोने का मन भी नहीं कर रहा था तो डायरेक्ट सो गए थे। तो अभी ब्रश भी नहीं किया, नहीं मुंह धोया, तो देखिए मेकअप अभी भी है। पार्लर का मेकअप रात भर में रहता नहीं है और मैंने खुद करा है तो देखिए अभी भी चेहरे पे बहुत चमक है। तो चलिए हाथ मुंह धो लेते हैं। तो आज है रिसेप्शन लड़के वाले की तरफ से और आज का ब्लॉग भी बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए आप लोगों के साथ आज का ब्लॉग भी पूरा शेयर करेंगे और बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हम नहा धो के पूजा पाठ कर लिए हैं, अभी खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे गोल्ड के दुकान में। दुल्हन के लिए कुछ गोल्ड का सामान लेना है, क्या लेंगे वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम खाना खा लेते हैं। आज दोपहर के खाने में देखिए क्या क्या है। एक तो गर्मा गर्म चावल और ये छोटी मछली की सब्जी और ये थोड़ी सी बिरयानी था कल का, और आलू भाजा, बैंगन भाजा और दाल, और देखिए चटनी है और साथ में प्याज है। तो चलिए अब खाना खा लेते हैं। इसमें लड़के को भी खिलाऊंगी, साथ में मैं भी खाऊंगी। तो खाना खा के आप लोगों से मिलते हैं। तो हम आ चुके हैं ज्वेलरी के दुकान में, गोल्ड शॉप में, और दुल्हन के लिए कुछ लेना है, क्या लेना है अभी तक सोचा नहीं है, देखते हैं पहले। ये सब नाक के हैं और ये तो झुमके है, ये तो रेडीमेड ही है। और ये नाक के बहुत सारे वैरायटीज हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली ये वाला नाक का हमें पसंद आया। तो फ्रेंड्स हमने गिफ्ट ले लिया है, अब घर चलते हैं, बाकी घर में जाके तैयार भी होना है। तो फ्रेंड्स हम तैयार हो चुके हैं रिसेप्शन में जाने के लिए, और ये है दुल्हन के गिफ्ट क्या लाए हैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करते हैं। तो दिखा नहीं पाएंगे, तो अभी कुछ देर पहले बाजार गए थे लेके आए हैं, और तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं पहुंच चुकी हूँ रिसेप्शन पार्टी में और देखिए दूल्हा दुल्हन सामने बैठे हुए हैं, और मेरे पहुंचने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, करीब करीब 11 बज चुके हैं, क्योंकि मैं हस्बैंड के लिए वेट कर रही थी लेकिन वो आए ही इतने लेट, और ऊपर से उनका तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, बुखार आ गया था तो वो आ भी नहीं पाए। और मुझे फिर भाई को फ़ोन किया, फिर वो लेके आया मुझे। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों नए नए शादीशुदा जोड़ी, कितना मस्त लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल और प्रीटी लग रहे दोनों जने, भगवान उनको हमेशा खुश रखे और हमेशा उनके सपने पूरे हों, बस यही चाहते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं नीचे खाने की जगह, और बहुत रात भी हो गई है तो पहले खाना खा लेते हैं, फिर आप लोगों से बातें करेंगे। और आज खाने में क्या बना है तो दिखाते हैं आप लोगों को। तो सब लोग मेरे को पूछ रहे हैं कि क्यों इतना लेट हो गया फ्रेंड्स, और मेरे पति का तबीयत ख़राब अचानक से हो गया, बुखार आया, मेरा आने का तो बिल्कुल भी मन भी नहीं था, लेकिन दूल्हे दुल्हन को कोई गिफ्ट तो देना ही था, कल भी आए थे और आज भी, तो उन्होंने कहा तो चले जाओ जल्दी से आ जाना, और मेरे भाई को फ़ोन किया हमने, वो लेके आया। और देखिए पूरे हॉल में कोई भी नहीं है, एक दो आदमी ही बस घूम रहे हैं, मुझे इतना ज़्यादा शर्म आ रहा था, मैं क्या ही बोलूँ, नहीं आती फिर भी मौसी को बुरा लगता है, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए हम आ गए हैं। और मुझे पहले से पता भी नहीं था कि उनका तबीयत ख़राब है, नहीं तो मैं तैयारी नहीं हुई थी, तैयार होके मैं बैठी थी और वो आए तो पता चला कि उनकी अचानक से तबीयत ख़राब है, तो उन्हें फिर भी बोला कि थोड़ी देर के लिए चले जाओ, अच्छा नहीं लगता ना। तो चलिए अब आ तो गए, थोड़ा सा फटाफट खाना खा लेते हैं, फिर सबसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे। और खाने में आज देखिए सेम है जैसे कल हमने खाया था, वैसे ही आज भी सेम ही है, सेम हॉल है, सेम खाना है,
और सब कुछ सेम ही है। ये लोग फटाफट सब खाना अब उठा ले रहे हैं, इसी तरह से मैं आई हूँ, खा लेती हूँ फटाफट से। थोड़ी देर बाद आती तो नहीं मिलता, ऐसा भी कोई बात नहीं, खाना बड़ा चीज़ नहीं है। मैं घर में भी खाना बना के ही आई हूँ हस्बैंड के लिए, तो आ गई हूँ तो थोड़ा सा खा ही लेती हूँ। तो आज खाने में सेम ही है जैसे कल था, थोड़ा सा अलग है क्योंकि आज सोया चाप अलग है, पूड़ी और ये सब अलग है, और रसगुल्ले और ये मूंग की दाल की हलवा। तो चलिए खा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स हमने खाना खा लिया है, देखिए सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, ठंड भी बहुत लग रही है, तो इसको हो रही है, तो थोड़ी देर में चलेंगे घर, लेट भी हो गया, सब जाने जा ही रहे हैं। देखिए पूरा खाली हो गया है, सब मेहमान चले गए हैं और दूल्हा दुल्हन भी अब जा रहे हैं खाने, दिखाते आप लोग। तो ये जो सामने खड़ी है पीली चादर में, ये है मौसी हमारी, तो जो दुल्हन है उनकी सास है और लड़के की माँ है। तो फ्रेंड्स हमने सबसे मिल लिया, बातें साते भी कर ली हैं और दुल्हन के साथ फ़ोटो वोटो भी खींच लिया है। अब बहुत ज़्यादा रात हो रहा है तो चलिए घर चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम घर पहुंच चुके हैं और जस्ट अभी अभी आए हैं, आज ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए आप लोगों को, मैं गई खुद लेट हूँ, 11 बजे तो मैं गई हूँ रिसेप्शन में, बहुत सारे लोग तो चले भी गए थे, दो चार लोग ही बच गए थे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना और वीडियो को पूरा वॉच करना। अपना खूब ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।